नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उदित नयन विश्वकर्मा है और स्वागत है आप सबका लर्न मेडिकल फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप सभी को एक अपडेट देना था। अगर आप 12th कंप्लीट कर पाए होंगे अपना, या फिर अभी कंप्लीट कर रहे होंगे, तो अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश में किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप जो है पैरामेडिकल या फिर फार्मासिस्ट वगैरह का कोर्स करना चाहते होंगे, जैसे डी फार्मा, बी फार्मा या फिर DMLT, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, तो अब जो है कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सभी जितने भी उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के अकॉर्डिंग जो भी इंट्रेंस एग्जाम जो है कंडक्ट किए जाते हैं, सब आ चुके हैं। सबका फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का सबसे कम है, और उसमें पैरामेडिकल के डिप्लोमा जितने भी कोर्स उत्तर प्रदेश में कराए जाते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट द्वारा, तो उसमें सभी जो है कि 28 जनवरी लास्ट डेट है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इधर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं कि क्या कुछ है, कैसे आपको फॉर्म भरना है और उसमें क्या क्या कोर्स करना है। और इसके बाद बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या था, यूपी पॉलिटेक्निक, जिसमें आपको डी फार्मा करना रहता है, तो उसमें गलती से बोल दिया था वीडियो में, हालांकि 28 जनवरी, लेकिन वीडियो में आप लोग देख के समझ गए हैं और कुछ लोग कमेंट भी किए हैं कि नहीं आप गलत बोल दिए हैं, तो चलिए उसके लिए सॉरी। लेकिन उसका डेट 28 फरवरी है, तो अगर आप 28 फरवरी तक उसको ऑनलाइन कर देंगे तो आपके लिए बेस्ट है। और इसके बाद जो है डिक्लो बी फार्मा का आता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, तो उसका भी आ गया है, अभी 23 जनवरी से जो है ऑनलाइन होना चालू हो जाएगा, और उसका लास्ट डेट जो है मार्च तक है, 15 मार्च तक। तो यही एक छोटा सा अपडेट देना था आप लोग को कि उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते होंगे तो आप ये याद कर लीजिए कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं तो इसी में से कोई एक फॉर्म जो है कि ऑनलाइन कीजिए, और इसके बाद आप जो है कि इसका अच्छे से तैयारी करके एग्जाम वगैरह दीजिए और गवर्नमेंट कॉलेज पा जाइए। और इसके बाद अगर आप फिर से दोबारा चाहेंगे कि नहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिले, अगर लेट कर देंगे फॉर्म जो है कि ऑनलाइन होना बंद हो जाएगा, तब आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस नहीं रहेगा, फिर आपको प्राइवेट कॉलेज से ही डायरेक्ट एडमिशन लेके करना पड़ेगा। तो उसमें आपको प्रॉब्लम बहुत सा होता है, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, फी वगैरह भी ज़्यादा रहती है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, हालांकि आप लोग उतना समझदार खुद हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सबको पता चल जाए कि जो अभी 10वीं 12वीं के जो भी फ्रेंड लोग पर एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो दे पाए हैं, वो इंतज़ार में है कि उत्तर प्रदेश का जो है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब कॉन्डक्ट होगा, कब हम एडमिशन लेंगे, कब गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो आप सबके पास ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे हमें लाइक करें, और जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।